नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत हैं समाचार। भवनाथपुर से संवाददाता अयोध्या कुमार की रिपोर्ट। भवनाथपुर थाना अंतर्गत मकरी निवासी योगेंद्र यादव के पुत्र ओम नारायण यादव ने भवनाथपुर थाने के एसआई अभिमन्यु सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया। ओम नारायण ने बताया कि प्रतिदिन मकरी मैदान में हम लोग शाम को वॉलीबॉल मैच खेलते हैं। रोज की भांति कल 6:30 बजे के बीच खेल समाप्त होने के बाद हम सभी अपने अपने घर जाने से पहले हम लोग 31 अगस्त को फाइनल मैच होने वाला था, जिसे लेकर हम सभी प्लेयर बैठकर कर रहे थे। इसी दौरान गश्त कर रहे एसआई अभिमन्यु सिंह पहुंचे, साथ ही सीधे गाली गलौज करते हुए गाड़ी से उतरकर डंडे से मारने लगे। मेरे द्वारा कारण पूछने पर बोले, दबंगई करोगे, जो मेरा मन करेगा वही करेंगे। इस तरह का भाषा बोलते हुए उन्होंने डंडे से पिटाई की, जिससे मेरा हाथ फूला हुआ है और साथ ही डंडे से पिछले हिस्से में भी मारा गया, जिससे बैठने में तकलीफ हो रही है। घटना के वक्त मौजूद ग्रामीणों और खिलाड़ियों एवं उक्त घटना के बारे में बताते हुए अंडा दुकान संचालक गुलाम अंसारी ने बताया कि प्रत्येक दिन यहां पर मैदान में बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं। कल भी बच्चे वॉलीबॉल खेलकर फाइनल मुकाबला खेलने के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। इस दौरान गश्त कर रहे एसआई अभिमन्यु सिंह के द्वारा खिलाड़ियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर गई और ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन का मनमानी रवैया ठीक नहीं है। प्रशासन अगर ऐसे ही मनमानी करता रहा तो हम लोगों की सुरक्षा आखिर कौन करेगा। साथ ही खिलाड़ियों ने इसकी शिकायत एसपी से करने की बात कही। इस बाबत पूछे जाने पर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि मेरे पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है, मैं गश्त में नहीं गया था। जबकि थाना प्रभारी ने बताया कि लड़के बियर पी रहे थे, इसलिए डांटे धमकाए। जबकि मौके पर उपस्थित खिलाड़ियों दीपक कुमार पासवान, निखिल कुमार, ऋतिक कुमार, रोहित कुमार, अनुपम प्रकाश, धीरज कुमार प्रजापति, सुनील कुमार यादव, अखिलेश कुमार यादव, सोनू कुमार यादव ने कहा कि हम लोगों पर बियर पीने का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही झूठ है। गाड़ी लेकर थे वहाँ, 3-4 आदमी थे, मार्शल था, मार्शल पे बैठे थे। कल हम लोग का मैच था, उसी के बारे में बात कर रहे थे। और उधर से अभी मनु सर आए, आकर के डायरेक्ट कहा के पंचायती लगाए हरे गाड़ा गाड़ी करते हुए, उधर से उतर करके बोल रहे हैं, लाठी लेकर के दौड़ाना चालू कर दिया, सब रेंगा भागना चालू कर दिया। इसके बाद फिर हमको धर लिए, धर के बोल रहे हैं मार्शल आके यहाँ क्या कर रहा है। तो हम बोले सर यही कल मैच है हम लोग के, इसी के चलते हम लोग रुक के बात कर रहे हैं। कितना बजे का? यही 7:15 बजे के आसपास में था। और इसके बाद मार के बोल रहे हैं जाओ साला घरे भागो, यहाँ क्या कर रहे हो। हम कहे सर घरे पर तो जाएंगे, डंटा से मारे थे सर, दो हाथा डंटा लगा के मरवाए हैं। अभी भी देखिए मरवाए, खुद मरे हैं। यह देखिए अभी भी 5 है सर, पूरा फूला हुआ है, देख रहा है पूरा सूजल है, यहाँ चुतराहट पर लगा है यहाँ पूरा। रात से ही हम लोग मैंने दर्द में, अभी हम दवा भी नहीं खाए सर। आप लोग क्या कहना है? हम लोग सब साथ हैं सर, मैच था, और उसी दौरान आए दबंगी स्टाइल में गाली गलौज करने लगे और डंडा से मारने लगे। मैंने आपको क्या करना है बताइए? घटना में हम लोग का कुछ मैंने अथी नहीं है सर, क्या करें बताइए। इसे दबंगई चल रहा है प्रशासन का, हम लोग घर पे मतलब कहीं चौक गेम खेल के बाहर जा ही रहे, डिस्कस कर रहे थे, उधर ना के फिर मारना शुरू कर दिया। ये नहीं कि हम लोग ज्यादा देर रात तक भी रुके हुए थे, घटना हुआ है, घटना के विरोध में कुछ आपको क्या कुछ करना है? हम लोग क्या ऐसी छोड़ दे, प्रशासन के थ्रू हम लोग कार्रवाई करना है। इसके लिए आपको क्या कर रहा है? एप्लीकेशन बना रहे। कहाँ पे देना है? आपके एसपी के पास? एसपी के पास देंगे सर, और थाना में भी ना। तैबा हॉस्पिटल, डॉक्टर यासीन हेल्थ केयर, मदरसा रोड बस स्टैंड के पास, गढ़वा, स्त्री एवं प्रसूति रोग संबंधित सेवा एवं सुविधाएं, ANC, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन, बांझपन परामर्श एवं उपचार। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।